सो हेलो व्यूवर्स, फिलहाल अभी हालत ख़राब है। अभी फिल वक्त हो रहा है 8:55। मैं घर से निकला हूँ कुछ तकरीबन, मैं स्टेशन पर पहुँचा 8:05 को, स्टेशन पहुँचा जब से लेके अब तलक। मैं नागा सुपर में रहता हूँ तो अब तलक मेरे को चढ़ने नहीं मिला। अभी मैं विदाउट टिकट के यहाँ से विरार जाऊँगा, फिर विरार से कोई ट्रेन पकड़ेगी मेरे को मालाड पहुँचना है, क्योंकि आज मेरा पेपर है और पेपर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। 11 बजे का पेपर है, इधर पे 9 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाला सुपर में एक्सट्रीम लेवल की भीड़ है। मेरे को वो भीड़ का ब्लॉक करने मिला नहीं। मैंने टोटल कुछ 6 से 7 ट्रेन छोड़ा, चढ़ने ही जगह नहीं। ऑलमोस्ट विरार से फुल आ रही है गाड़ी। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हालत होती है। और साथ में इंडियन रेलवे इतना घटिया, अगर कोई स्टूडेंट को पेपर देना है कुछ है तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अभी अगर टीसी भी मिलेगा तो भी हम ब्लॉक करेंगे और बताएंगे करके आगे क्या क्या होगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को विरार जाके विरार से रिवास आने का है, ताकि खाली मेरे को सिर्फ चढ़ने मिल जाए। ये आप लोगों को भीड़ दिख रही है, ये सिर्फ ये साइड में, ये तो ये एक नंबर पे भीड़ आप देख लीजिए कितनी हद से ज़्यादा भीड़ है। और जो एक नंबर पर आप लोगों को अभी फ़िलहाल जो भीड़ एकदम ना के बराबर दिख रही, क्योंकि अभी लेडीज़ स्पेशल 9:30 या 9:33 के आसपास की कुछ टाइम नहीं, मेरे को आई डोंट नो, बस अभी जस्ट लेडीज़ स्पेशल लगने वाली, इसके लिए अभी फ़िलहाल प्लेटफॉर्म पर कम भीड़ है। और सारी गर्दी आ गई है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, सब मोस्टली विरार से रिवर्स करके मुंबई जाने वाले। अभी विरार से रिवर्स करके जाने में सिर्फ अपने को चढ़ने मिल जाएगा, बैठने नहीं मिलेगा सीट पे। अभी देखो मैं विरार गया, विरार से मेरी गाड़ी अब रिटर्न हो रही है नाला सुपारे की तरफ। अभी आप लोग देख लीजिए कितनी भीड़ है ये डब्बे में। अभी मैं चढ़ा हूँ हैंडीकैप डब्बे में, और अभी फ़िलहाल ये हैंडीकैप डब्बा इतना शांत है, लेकिन अभी आप भीड़ देखिए यहाँ से कितनी खतरनाक वाली भीड़ अभी दिखाई देगी आप लोगों को। ये है मुंबई लोकल, देख रहे हैं आप भीड़ कैसी है। सोचो कि मैं चढ़ कैसा पाया रहूँगा। मैं सुबह 7:30 से खड़ा हुआ हूँ स्टेशन पे, ए नहीं 7:30 नहीं, ए आई थिंक सो 8:10 कम को मैं खड़ा था, 7:30 मैं घर से निकला था। अभी ये भीड़ देखिए आप कितनी है। तो सोचो इस ये भीड़ के अंदर हम लोग को नाला सुपारा से चढ़ने मिल सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। अभी आप हैंडीकैप में ही देख लेना कि फिट एंड फाइन लोग भी कितने सारे चढ़ जाएंगे। ये देखिए चढ़ना चालू हो गए, अच्छी खासी भीड़ चढ़ रही है, सब फिट एंड फाइन है। अभी मैं तो मजबूरी में चढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे को पेपर देने जाना है, ये मेरी मजबूरी की वजह से मैं चढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली ये है हमारा इतना अभी फ़िलहाल कैसा हो गया था, मैं ये हैंडीकैप डब्बे वाले डब्बे में चढ़ा था। तो मैं हैंडीकैप डब्बे में फ़िलहाल चढ़ा था, क्योंकि चढ़ने के लिए जरी सी भी जगह नहीं थी। तो वहाँ से कुछ पुलिस वालों ने उतार दिए, क्या वजह से कि नहीं चढ़ सकते। जब बेसिकली किसी का अगर बोर्ड का पेपर रहेगा तो सामने वाला बंदा चढ़ ही सकता है। अभी उस टाइम पे मैं बहस कर नहीं सकता आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मेरे पास ज़रा भी टाइम तो था नहीं। अगर आर्ग्यूमेंट करता तो उस उन लोग बाकी जो कॉन्स्टेबल जो थे उन लोगों को मैं बोल सकता था कुछ भी। अभी फ़िलहाल टाइम है नहीं और कुछ ऐसा रहता था तो लोग ही बचा सकते थे, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम कम बचा हुआ है। अभी 10 बजे की दूसरी ट्रेन है फिलहाल तो, और वापसी में रहेगा तब टीसी ऑफिस जाके बजाएंगे किसी ना किसी की। तो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने को भी मालूम है। तो फिलहाल अभी तो मैं बोरीवली से मलाड के लिए दूसरी स्लो ट्रेन पकड़ चुका हूँ। अभी मैंने कुछ क्लिप्स काट दिए, क्योंकि मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, लेकिन आप इसकी स्टोरी आगे सुनिए मेरे से, कंटिन्यू कीजिए इस ब्लॉग को। अभी फ़िलहाल मैं मलाड स्टेशन से उतर चुका हूँ, उतर के अभी मेरे को पेपर के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी यहाँ पे कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आई डोंट नो, अभी मैं बाहर निकल के अभी देखता हूँ फटाफट के अभी कितना लंबा सेंटर है। फिलहाल कैसा कैसा मशक्कत करते हुए पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी भाग दौड़ है। अभी मैं स्टेशन से उतरा, पता चला कि यहाँ पे डालमिया जो कॉलेज है मलाड वेस्ट का, उसके लिए शेयर ऑटो इधर से नहीं, शेयर ऑटो मिलेगा मेन सिग्नल से। तो अभी वहाँ जाएंगे, अभी फ़िलहाल मैं अभी भागते हुए जा रहा हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है, 10:18 हो रहा है मेरे को पहुँचते पहुँचते यहाँ पे। कंटिन्यू कीजिए, चल रहा हूँ मैं आगे अभी। सो अभी फ़िलहाल
फिलहाल ये है 2:30 मॉर्निंग हो रही। मैं जस्ट अभी सो के उठा था, मैं बोला कि रात रात में आता था मेरे को, वैसे तो बाय द वे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का थक गया हूँ, क्योंकि ये नाला सुपारा से मुंबई आना जाना वो भी मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी मैं बोला सबसे पहले उठा हूँ तो उठते बराबर पहले मैं मेरा ब्लॉग शूट कर दूँ। मैं आया आते बराबर कुछ ही नहीं किया, सीधा खाया और पलंग पे आमलेट। तो कल बाय द वे ऐसा सीन हुआ कि यहाँ से मैं कुछ 8:05 का आई थिंक, तो मेरे को उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन 8 बजने में 10 मिनट या 5 मिनट कुछ बाकी था, मैं नाला सुपारा स्टेशन पे था। वहाँ से कंटिन्यूसली ट्रेन आ रही थी, कंटिन्यूसली आ रही थी, लेकिन ऑलरेडी फुल आ रही ट्रेन यहाँ से चल रही थी। जो अभी मैं एक साइड में अगर खड़े रहूँ तो एक साइड में मतलब 8-10 पब्लिक सिर्फ चढ़ पा रही थी, बाकी पब्लिक हल्का सा भी मतलब एक पैर पे आधे जो क्या बोलते अपना पंजा जो रहता पंजे तक खड़ी नहीं हो सकते हम लोग, इतनी गर्दी एक्सट्रीम लेवल की थी। मैं काफ़ी ट्रेनें छोड़ा, 8-10 ट्रेनें छोड़ा, फिर उसके बाद मैं गया एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, फिर वहाँ से विरार की ट्रेन पकड़ा, उसमें भी चढ़ने जगह नहीं थी तो मैं वहाँ पे हैंडीकैप में चढ़ गया, जगह नहीं थी करके। और फिर उधर से मैं विरार गया, फिर विरार से रिटर्न आया तो मेरे को नायगांव में पुलिस वाले थे, उन लोग ने उतार दिया। तो मैं उन लोगों वहाँ पे बोला कि मैं बोला मेरा बोर्ड का पेपर है करके मुझे जाने दो, तो लोग बोलते नहीं नहीं तो टीसी ऑफिस लेके जाके फाइन मारूंगा ये वो सब करूंगा। जबकि एक स्टूडेंट अगर कोई बोर्ड का पेपर, हाँ बाकी ऐसा अदरवाइज नहीं, अगर कोई बोर्ड का पेपर देने जाता है तो उसको टीसी रहन दो, पुलिस वाले रहन दो, ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि उन लोग का पेपर अपनी ऐसा देखा जाए तो लाइफ में पहली बार ही एक ही बार दे सकते, और बोर्ड का पेपर बहुत मायने रखता है। अरे यहाँ तक कि लास्ट में 10th का पेपर दिया था, मैं मेरे पेपर के लिए लेट हो गया था, फर्स्ट डे का फर्स्ट पेपर था मेरा, सेंटर था कुछ और, मैं पहुँच गया कोई दूसरे सेंटर पे था, फिर मेरे को आइडिया नहीं था। तो वहाँ पे एक पुलिस वाले था जो मेरे को पूछे कौन सा सेंटर है, फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा दूसरा, तो उसने मेरे को इवनली कार में अपने ड्रॉप करा अपने वो मेरे सेंटर तक का, उसकी खुद की गाड़ी थी ये, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी थी, उसमें मैं लेके जाके उसने मेरे को ड्रॉप करा। और ये पुलिस वालों को मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पेपर है मुझे जाने दो, तो लोग लेके उतार डाले। तो वो तो खैर, फिर मैं फटाफट उन लोगों को चिल्लाया करा, मैं बोला कि ये क्या है करके, मैं बोला बोर्ड का पेपर है तुम लोग ऐसे उतार रहे करके। वो तो अच्छा हुआ फटाफट भागते हुए गया, लगेज डब्बे में मैं चढ़ गया, वहाँ पे जगह मिल गई मेरे को चढ़ने की। अगर नहीं मिलती थी, अगर उन लोग उधर रुका देते थे तो फिर मैं कुछ बहस कर सकता था या फ़ोन वोन लगा के किसको कुछ ना कुछ तो कर सकता था, अगर उन लोग लेके मेरे को टीसी ऑफिस वगैरह कुछ चले जाते थे। क्योंकि पेपर एक तो ऐसे ही ऑलरेडी मैं लेट हो गया यार, सेंटर पे उल्टा मैं पहुंचा, वो भी 10 मिनट लेट पहुंचा मैं, तो खैर हो गया। फिर मैं सोचा कि वापसी में कोई भी अगर पुलिस वाला मिलता है तो उसके साथ ब्लॉक करूं, लेकिन ये इस ब्लॉक का मैं इतना थक गया था। फिर वहां से अरबाज ने मेरे को बुला लिया था जोगेश्री, फिर जो अंधेरी जोगेश्री गया, फिर उसने लेके मेरे को अंधेरी ड्रॉप करा रिटर्न में, और फिर मैं रिटर्न से फास्ट ट्रेन पकड़ कर आ गया। हालत इतनी ख़राब हो गई, रात में मैं आया घर पर सो गया। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं कुछ 8:45 हो रहा है, तो अभी जस्ट उठाऊँ और फ्रेश हो के अभी आज के दिन का कुछ काम है। अभी तो पेपर फिलहाल सब खत्म हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, और इसी बहाने आप मुंबई लोकल की हालत क्या है वो भी आप देख लिए होंगे, और क्या कर सकते हैं। खैर चलिए, मैं आपसे बाद में, अभी फ़िलहाल फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मैं बाद में कुछ नए ब्लॉग के साथ। और मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट इस यही वजह से आ रहा है क्योंकि मेरे लास्ट ब्लॉग भी थोड़े पेंडिंग है, ब्लॉग लेट आने की वजह यही है कि मेरे पेपर चालू, बस प्रोजेक्ट थे, फिर उसके बाद पेपर वगैरह सब चालू हो गए, तो वो सबसे मैं ब्लॉग कर नहीं पाया। अभी फ़िलहाल ब्लॉग अभी कंटिन्यू आएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए वीडियो को। अब ये सिर्फ एक वीडियो बीच में आएंगे, इसके बाद मेरा ऊटी का जो ब्लॉग था वो मैं कंटिन्यू कर दूँगा।